एक मिनट जिंदाबाद। अब सब लोग लग जाओ, आगे ना आया तो ले जाएगा ना वो ट्रैक्टर पूरे मिस्टर इंडिया और वर्ल्ड में जिन जिनको खिताब मिला हुआ है, जैसे हमारे बीच में देखिए बिरजू पहलवान जी, भारत हिंद केसरी भी यहाँ मौजूद है, विनय कुमार जी जो 3 बार जो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, और काफ़ी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो पहलवान, बाकी कई बार कई चले भी गए हैं। तो हम इस बात करते हैं भारत हिंद केसरी बिरजू पहलवान वाल्मीकि जी से, जो स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे अहदे पर माने गए हैं और इनको जो है केजरीवाल साहब ने जो है इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। तो हम जानना चाहेंगे आज का पर्पज क्या रहा है यहाँ पर आने का। सर देखिए, आज का पर्पज था कि मैंने पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी ठीक है, जैसे भी केजरीवाल जी काम कर रहे हैं उनकी दिशा में हम भी काम करेंगे, और हमारे यहाँ के विधायक है अजय यादव जी जिनके सहयोग से सब कुछ होता है, हमारे अखाड़े में जो भी सुख सुविधा फैसिलिटी है वो अजय जी ने कराई है। मतलब आपका पूरी जो है मदद जो है अजय जी करते हैं, जो अजय जी कर रहे हैं जी। और वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि अजय जैसे भाई का हमारे सिर पर हाथ है जी। तो अजय जी देखिए हमारे साथ में, अजय जी आप भी आम आदमी पार्टी से विधायक है और बिरजू पहलवान जी जिस जहाँ अखाड़ा चलाते वो आपकी विधानसभा में आता है, तो ये जो बिरजू पहलवान जी है वो गरीब बच्चों को जो है ट्रेनिंग देते हैं और वो भी फ्री में देते हैं, तो इसमें बिरजू पहलवान जी ने आज जो इसको आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करके क्या इनको आम आदमी पार्टी की तरफ से मदद मिल पाएगी, क्या इस एकेडमी को जो आज छोटी एकेडमी है ये बड़ी एकेडमी हो पाएगी, क्योंकि भारत हिंद केसरी जो बच्चों को तैयार करेगा तो बच्चे भी भारत हिंद केसरी ही पैदा होंगे, तो आप इसमें कितना सहयोग रखेंगे? देखिए सहयोग की बात यह है, आज आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, सभी समाज के वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाता है, और हमारा क्या होता है कई बारी समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कई बारी बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन अगर सरकार का सहयोग उसमें हो जाए, सरकार की तरफ से मदद मिले तो बहुत कुछ स्पोर्ट्स में हम कर सकते हैं। तो आज का मकसद ये है कि हमारे जैसे वाल्मीकि समाज के और दूसरे भी कई वर्गों के बच्चे हैं, कई बारी वो आगे नहीं बढ़ पाते जी, तो हमारा यही होगा कि समाज के बच्चों का, और हर समाज के बच्चों का, ऐसा नहीं है, और बिरजू इंटरनेशनल पहलवान है तो बिरजू ने भी कुछ चीज़ें फेस की है, तो आज हमारा मकसद यह है कि कोई भी बच्चा सरकार की वजह से ऐसा ना हो कि उसका भविष्य है खराब हो जाए, तो हमारा यह स्पोर्ट्समैन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर करेंगे जी। तो देखिए इनका साफ साफ कहना है कि अगर दिल्ली सरकार अगर पूरी मदद करे, क्योंकि संसाधनों की जो है कमी के कारण जो है आगे बढ़ नहीं पाते ना बच्चे ना पहलवान, वो क्योंकि जो इनकी डाइट होती है वो भी बहुत ही कॉस्टली डाइट होती है, वो कोई कोई अफोर्ड कर पाता है लेकिन बहुत से पहलवान ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, वो बेचारे जो है वो बीच में ही जो है वो छोड़ देते इस चीज़ को। तो हमारे जो अजेश जी हैं MLA हैं बादली विधानसभा से, तो ये जो है वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और हम चलो रवि जी हमारे साथ में है, रवि जी
आज का जो आयोजन रहा कैसा रहा और इससे क्या मतलब बेनिफिट हो पाएगा कि गरीब बच्चों के लिए और स्पोर्ट्स में जितने भी युवा हैं उनके लिए तो दिल्ली सरकार क्या सोचती है और आपको क्यों आमंत्रित किया गया? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अजेश भाई जी का जिन्होंने आज हमारे लिए इतना कुछ सोचा और बिरजू भाई जी को आगे लाने की इन्होंने जो कोशिश करी है, तो बिरजू भाई भी और उनकी तरफ से भी और उनकी पूरी टीम की तरफ से मैं ये आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ कि जो कार्य जो भोला भाई के साथ मिलकर और जो अजेश यादव जी मिलजुल के कर रहे हैं और जो बिरजू भाई जो उसमें अपना सहयोग और सारा सब सहयोग से जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो हो रहा है वो बहुत ही बेहतरीन कार्य हो रहा है। वहाँ पर सुबह और शाम को क्लासेस चलती हैं पहलवानी के लिए और सारी प्रैक्टिस करते हैं और वो सर्व समाज के लिए है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि सर्व समाज आए और सर्व समाज आके इसमें आगे बढ़े। पहलवानी के क्षेत्र में बिरजू भाई जी हिंद केसरी रह चुके हैं, मिस्टर पंजाब रह चुके हैं, दिल्ली रह चुके हैं, तो मतलब बहुत अच्छा नाम है इनका पूरे भारतवर्ष में जी, इंटरनेशनल पहलवान है, कहीं भी जाके आप इनका नाम चेक कर सकते हैं। तो अजेश जी और जो आम आदमी पार्टी ने जो सहयोग दिया है और जो इन चीज़ों को आगे लाने की जो कोशिश करी है, तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि इनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। हम ये कोशिश भी रखेंगे कि जो पहलवान आज वहां से अगर 15-20 निकल रहे हैं, आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी के सहयोग से और अजेश भाई जी की तरफ से और भोला भाई जी और जो भी जितने भी सहयोगी जो सहयोग करते हैं उसको हम और आगे तक लेके जाएं। जी धन्यवाद सर। तो देखिए बिल्कुल युवा जितने भी हैं स्पोर्ट्स में हैं तो वो उनको एक आस जगी है कि चलिए मुख्यमंत्री साहब ने जो आमंत्रित किया है और अपने साथ जोड़ लिया है तो कुछ ना कुछ वो है जो समाज के छोटे बच्चों हैं, जितने छोटे बच्चे हैं युवा हैं जो स्पोर्ट्स में अपना मन लगाते हैं और सीखना चाहते हैं तो उनको आगे आने वाले समय में कुछ फ़ायदा हो पाएगा। तो ये जितने भी युवा हैं वो सभी बिरजू पहलवान जी के समर्थक हैं और काफ़ी जा चुके हैं। बिरजू पहलवान जी, जागो समाज चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जागो समाज चैनल का धन्यवाद करता हूँ, सुनील भाई का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बीच में आकर इतनी अच्छी रिपोर्ट बनाई है, और धन्यवाद करता हूँ मैं पूरे समाज का। जी भोला जी, आप क्या कहेंगे जागो समाज चैनल के लिए? धन्यवाद करता हूँ जागो समाज जी का। जी अजय जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने एक बहुत अच्छा, अगर इसको आप प्रचारित करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के लिए कि वो पता चलेगा कि भी इस तरीके से हमारे जो है बिरजू भाई अखाड़ा चलाते हैं और जो बच्चे अगर इसमें इनके यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहे, कुश्ती सीखना चाहे तो वो भी आ सकते हैं और पता चलता है कि दिल्ली सरकार भी जो है स्पोर्ट्समैन के साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए बिरजू पहलवान जी का अखाड़ा हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि उन्होंने जो है मिट्टी से अखाड़े को और अपना मैट का अखाड़ा वो बना लिया है और बच्चे उसमें ट्रेनिंग करते हैं। 150-200 के करीब बच्चे जो है वो वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और बिरजू पहलवान जी उनको जो है बिल्कुल मुफ्त में जो है ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।